जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल में ही रशिया और यूक्रेन के बीच जंग का आगाज हो चुका है, काफी ज्यादा संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को डर है कि स्थिति और भी गंभीर बनाने के लिए रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु हथियार यानी परमाणु बमों का इस्तेमाल न कर दे। अगर रूस ऐसा करता है तो यूक्रेन का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्या है इस परमाणु बम में जो दुनिया इससे इतनी ज्यादा डरती है? क्या होगा यदि हमारे आसपास कहीं पर परमाणु बम पड़ जाए? कभी सोचा है आखिर इस हमले से कैसे बचा जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि इस परमाणु बम से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, बचपन से ही हम परमाणु बम के बारे में सुनते आए हैं, और सुने भी क्यों नहीं। इतिहास में सिर्फ एक ही बार युद्ध में प्रयोग होने वाले परमाणु बम के जख्म आज तक इतिहास के सीने में है। परमाणु हथियार के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1945 में हुए इकलौते परमाणु हमले ने 6 साल तक चले द्वितीय विश्व युद्ध को आनन फानन में ही खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी शक्ति के आगे जापान के साथ साथ खुद द्वितीय विश्व युद्ध ने भी हार मान ली थी। और यह भी परमाणु बम के खौफ का ही असर है, क्योंकि 1947 के बाद कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, जो कि युद्ध से कितनी भयंकर हानि हो सकती है और युद्ध कितना अमानवीय हो सकता है, यह लोगों को परमाणु बम से ही समझ में आया है। यही कारण है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश किसी दूसरे बड़े देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अब फिर से दुनिया में कभी परमाणु बम का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। असल में इस पूरी दुनिया में जितने भी जीवों को प्रकृति ने बनाया है, उनमें से हम यानी मनुष्य सबसे हिंसक जीव है। हमें जो भी उपहार इस प्रकृति ने दिया है, उसी का इस्तेमाल हमने प्रकृति को नष्ट करने में किया है। और आप मेरा यकीन मानिए कि इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपके इसी जीवन काल में आपको एक परमाणु हमला देखने को मिले। वैसे तो मैं आप लोगों की तरह ही हमेशा भगवान से दुआ करती रहूंगी कि हमारी पृथ्वी को फिर से कभी परमाणु हमले की दंश ना झेलना पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यह जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, परमाणु बम से बचाव के तरीके जानने से पहले मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहती हूँ कि परमाणु बम है क्या और यह कैसे काम करता है। परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तत्व होते हैं जो खुद की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। एक मुट्ठी भर यूरेनियम से इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है जितनी कि एक ट्रक कोयले से विस्फोट के दौरान पर इस्तेमाल करने से 1 किलो वजनी परमाणु बम इतना ही घातक होता है जितना 10 लाख किलो वजन का कोई साधारण बारूद वाला बम। दोस्तों, परमाणु बम के हमले से बचने के लिए जो सबसे पहला कदम आपको उठाना चाहिए वह यह है कि अगर हमारे देश के साथ किसी दूसरे देश का युद्ध छिड़ जाए और हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन खराब होते जाए, और आपको ऐसा लगे कि कोई देश हमारे देश पर परमाणु हमला कर सकता है या करने की धमकी दे रहा है, तो सबसे पहले तो अगर आप घनी आबादी वाले क्षेत्रों मसलन दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो तुरंत इन शहरों को छोड़कर आप अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के घर जा सकते हैं जो छोटे गाँव या शहरों में रहते हों। क्योंकि इतना तो तय है कि जब भी कभी परमाणु हमला होगा तो किसी बड़े शहर पर ही होगा, क्योंकि दुश्मन देश यह चाहेगा कि वह हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। ऐसे किसी शहर पर जहां कोई ऐतिहासिक इमारत वगैरह है, जैसे कि आगरा शहर पर भी परमाणु हमला होने के आसार ज्यादा होंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे किसी भी शहर से दूर चले जाएं। दुनिया के कई बड़े देश आजकल अपने बड़े शहरों में ऐसे सेंटर बना रही है जिन पर परमाणु बम बेअसर साबित होंगे। इन सेंटरों में वहाँ के निवासी परमाणु हमले की दशा में शरण लेकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसे सेंटर सिर्फ आर्मी के लिए हैं, जहाँ पर युद्ध के दौरान सिर्फ देश के बड़े वीआईपी नेता को शरण मिलेगी। किसी आम इंसान को वहाँ भटकने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, तो परमाणु हमले के दौरान वे आपके लिए जीवनदायी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह स्टेशन काफी गहरे और मजबूत बने होते हैं और इन पर परमाणु बम बेअसर साबित होंगे। दोस्तों, अगर परमाणु बम
आपके लोकेशन के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर गिराया गया है तो आप फौरन ईश्वर को याद कर लें और अपने द्वारा किए गए सभी पापों की क्षमा मांग लें, क्योंकि अगले 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका अस्तित्व भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर परमाणु हमले से आपकी लोकेशन 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप बच सकते हैं। धमाका सुनाई देने के बाद अगर आपके पास कोई बेसमेंट हो तो जितनी जल्दी हो सके उस बेसमेंट में शरण ले लें। बेहतर होगा कि आप सीढ़ियों पर से उतरे नहीं बल्कि सीधा छलांग लगा दें, क्योंकि बेसमेंट में पहुंचने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड का ही समय होगा। बेसमेंट में पहुंचने पर आप जमीन पर उल्टा लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए कानों को ढक लें, क्योंकि जल्द ही आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो पहले वाले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इस धमाके से जमीन में भूकंप जैसी स्थिति या जोरदार कंपन पैदा होगा। यह धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी। अगर आप किसी गहरे बेसमेंट में हैं तो हो सकता है कि आपका बेसमेंट भी तबाह हो जाए, लेकिन अगर खुशमती से दूसरा धमाका होने के बाद भी आप सही सलामत हैं तो अब आपका सामना होगा आसमान के बर्फ के मलबे यानी फॉल आउट और रेडिएशन से। ऐसे में आप तुरंत अपने कपड़े उतार दें। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो फर्स्ट एड किट का उपयोग करें और सही सलामत हैं तो तुरंत स्नान करें ताकि फॉल आउट और रेडिएशन के बचे खुचे असर से खुद को यथाशीघ्र बचा सकें। अभी भी आप किसी भी सूरत में बाहर निकलने की भूल ना करें, क्योंकि बाहर हानिकारक रेडिएशन के साथ साथ तेज धमाके की वजह से बेहद विनाशकारी तूफान भी आ चुका होगा। आपको लगभग 1 महीने तक किसी बेसमेंट में अपनी पनाहगार बना के रखनी होगी। इस दौरान आप जितना भी हो सके कम खाएं और कोशिश करें कि अपना ज्यादा समय सोकर गुजारें। बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए आप किसी रेडियो का सहारा लें और हिम्मत कभी भी ना हारें। अगले कुछ दिनों में आप रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपको बुखार, उल्टी, दस्त या घुटन हो सकती है। अगर आपके पास पैरासिटामोल या कोई और दवाई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु धमाके के ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन के अंदर मददगार फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। जब तक आप रेडियो पर खबर सुनते रहें और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि आपके इलाके में मददगार शुरू हो चुका है तो बाहर निकलकर नकदी की मददकर्ता दस्ते से तुरंत संपर्क करें, ताकि आपको परमाणु विस्फोट की चपेट में आए हुए इलाके से फौरन बाहर निकाला जा सके। यदि कोई भी मददकर्ता दल आप तक ना पहुंच सके तो कम से कम 20 दिन बाद ही आप बेसमेंट से बाहर निकले। अब तक विनाशकारी तूफान थम चुका होगा। बाहर निकलने के बाद आपको एहसास होगा कि लाखों में सिर्फ आप ही जिंदा बचे हैं। अब आप जितनी भी जल्दी हो सके उस इलाके को छोड़ दें और रेडिएशन खत्म होने के बाद ही उस इलाके में वापस आएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान ना करे कि कभी हम में से किसी एक के साथ ऐसे हालात हों कि हमें इन उपायों की मदद लेनी पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट गर्ल खुशबू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।